ना, देश की जनता है, कोई आतंकवादी नहीं। और आतंकवाद को भी पनाह देने का इतिहास तो इन्हीं लोगों का रहा है। ये किससे झूठ बोलते हैं, किससे छिपाते हैं? ये भी काम वही लोग किए हैं। हमारे देश में आतंकवादी घुस आते हैं, दिल्ली में घुस आते हैं, उसको पनाह देने वाले RSS BJP के लोग हैं। और ये बात करेंगे कि हमारे जो देश के किसान है वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है। हमारे लोगों की जो मौत हो रही है उसमें उनका दर्द भरा बयान आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। उनकी जो वो क्या कर रहे हैं, वहां जाकर बनारस में लाइट हाउस देख रहे हैं, वहां पर नदियों में तैर वो कर रहे हैं, शिप पर उनका सवारी चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ लोग मर रहे हैं और आपको उस सवारी की पड़ी है? आपको नया संसद बनाना है, उसका भूमि पूजन हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती है कि हमारे देश में नया संसद की जरूरत है, कि इस काले कानून को खत्म करने की जरूरत है? ये प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी सरकार को। अगर इस बार प्राथमिकता तय नहीं हुआ तो यह आर पार की लड़ाई होगी और यहाँ से लोग निकलकर संसद तक जाएंगे। तो इस बॉर्डर से दिल्ली की संसद बहुत दूर नहीं है। लोग वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से लोग उठेंगे और संसद को घेर लेंगे। वो दिन दूर नहीं है कि मोदी सरकार को दिल्ली ही नहीं देश छोड़कर भागना पड़ जाएगा। फिर ये जो देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और ये जो अर्बन नक्सल, खालिस्तानी, ये जो नाटक है इनका, ये नाटक इनका बंद हो जाएगा। मुसोलिनी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ये लोग, हिटलर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हिटलर क्या करता था, पहले किसी भी आंदोलन को बदनाम करता था, और वही वो कर रहे हैं। पहले उनका जो फंडा था वो ये था कि पहले आंदोलन को बदनाम करो, लोगों को बदनाम करो, तो आंदोलन को तोड़ना आसान हो जाएगा। वही काम उसी हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पर चलकर मोदी सरकार कर रही है, और इसी से हमें बचने की जरूरत है। और ये आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा, उनका जो कोई चाल है वो चलेगा नहीं यहाँ पे। मैम, वार्तालाप को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार वार्तालाप पे वार्तालाप हो रहे हैं, लेकिन विफल होने का कारण क्या है? ये कोई वार्तालाप नहीं है, ये है भरमाने की कोशिश, यह है बहकाने की कोशिश, यह है भटकाने की कोशिश। ये कोई वार्तालाप नहीं है। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर जमे हुए हैं, जब वहाँ यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, तब उनसे वार्तालाप की उनको सूझ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से कि क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है, जो इतनी ठंड में सड़कों पर खड़े हैं? क्या उनकी जो मांग है वो नाजायज है? सवाल उठता है, दो और तीन अगर यहाँ किसान सवाल कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ सरकार से, कि सरकार किसकी है? सरकार अडानी अंबानी की है या सरकार देश की जनता की है, देश के किसानों की है? और अगर किसानों की है, अगर जनता की है, तो किसके हित के बारे में सोचना चाहिए सरकार को? निश्चित रूप से देश की जनता के लिए। सोचा किसके लिए जा रहा है? अडानी अंबानी के लिए। देश के किसानों को झूठ बोलकर, उसको भ्रम में डालकर, उनको फरेब करके उनके साथ उनकी जमीन ले ली जाती है और अडानी की गोद में डाल दी जाती है। जनता कैसे चुप रहे, किसान कैसे चुप रहे? इसी वजह से किसान आज यहाँ सड़कों पर है। और जो 15 किसान की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती होती है, किसी भी इंसान की जान बहुत कीमती होती है। और अगर उनकी नजर में जान कीमती नहीं है, तो वो इस देश की सरकार होने लायक नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस काले कानून को खत्म किया जाए। अगर ये नहीं किया गया, तो इस बॉर्डर से दिल्ली की संसद बहुत दूर नहीं है। लोग वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से लोग उठेंगे और संसद को घेर लेंगे। वो दिन दूर नहीं है कि मोदी सरकार को दिल्ली ही नहीं देश छोड़कर भागना पड़ जाएगा। फिर ये जो देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और ये जो अर्बन नक्सल, खालिस्तानी, ये जो नाटक है इनका, ये नाटक इनका बंद हो जाएगा। तो वो किसान के, देश की जनता के, जो उनका जो सब्र है उसका परीक्षा ना लें। वो इनका जो सब्र है वो बांध टूटता जा रहा है, उसकी जो परीक्षा वो ले रहे हैं, वो कम कर दें, वो खत्म कर दें। ये जो किया जा रहा है, जो खेल खेला जा रहा है, अडानी और अंबानी की गोद में बैठकर किसानों को जो भटकाया जा रहा है, उनके आंदोलन को तोड़ा जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, इसमें खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये जो किया जा रहा है, इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। नहीं तो इस देश की जनता जब जाग जाएगी और जब पहुंच जाएगी संसद, तो उनके पास ना सवाल करने का टाइम होगा, ना जवाब देने का। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, कह रहे हैं कि किसानों की बहुत सालों से मांग रही है, और इस बिल को लाने से पहले ही 2 करोड़ लोगों से बातचीत किया गया, तब इस बिल को लाया गया। अगर 2 करोड़ लोगों से बात किया गया, सिंपली सोचिए, क्योंकि किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये? अगर बात की गई थी तो अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर किसी चीज पर बात होता है तो प्रॉपर तरीके से संसद में बहस होती है उस पर। ये जो अध्यादेश का गुपचुप तरीके से खेल चल रहा था, वो क्या था? और अगर उनको डर नहीं लगता है, तो वो लोगों के सामने आए ना, उनसे बात
करें ना, देश की जनता है, कोई आतंकवादी नहीं। और आतंकवाद को भी पनाह देने का इतिहास तो इन्हीं लोगों का रहा है। ये किससे झूठ बोलते हैं, किससे छिपाते हैं? ये भी काम वही लोग किए हैं। हमारे देश में आतंकवादी घुस आते हैं, दिल्ली में घुस आते हैं, उसको पनाह देने वाले RSS BJP के लोग हैं। और ये बात करेंगे कि हमारे जो देश के किसान हैं वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो उनकी कोशिश है वो सिर्फ इसलिए है कि वो दिखावा कर लें, क्योंकि उनको ये मांग माननी नहीं है। डे फर्स्ट से वो बोल रहे हैं कि हम इस मांग को वापस नहीं ले सकते। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि जनता सब कुछ समझ रही है, किसान सब कुछ समझ रहा है, और उन्हें ये मालूम है कि ये जो वो कर रहे हैं उससे किसका भला होने वाला है। कृषि मंत्री तोमर जी कह रहे हैं कि कुछ किसान जो है वो समर्थन में भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस बिल को वापस ले जाता है तो समर्थन कर रहे हैं, वो धरने पे बैठे। हाँ, तो कुछ किसान तो अडानी अंबानी के समर्थन में हमेशा से रहेंगे, लेकिन उस कुछ किसान में कौन है सचमुच किसान है? वो तो इन लोगों को किसान नहीं कहते। मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि क्या उसमें किसान है? क्या वो सरकार में बैठकर सचमुच लोकतंत्र की सरकार है? सवाल तो उनसे बनता है। अगर वो सवाल नहीं बनता, वो कॉर्पोरेट के सरकार है, पूंजीवाद के सरकार है, पूंजीवादियों का जो जत्था है उनकी सरकार है या हमारी सरकार है, पहले उनसे जवाब लेने की जरूरत है। हमारी सरकार है तो हमारे दुख और दर्द में उनका साथ होना चाहिए। हमारे लोगों की जो मौत हो रही है उसमें उनका दर्द भरा बयान आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। उनकी जो वो क्या कर रहे हैं, वहां जाकर बनारस में लाइट हाउस देख रहे हैं, वहां पर नदियों में तैर वो कर रहे हैं, शिप पर उनका सवारी चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ लोग मर रहे हैं और आपको उस सवारी की पड़ी है? आपको नया संसद बनाना है, उसका भूमि पूजन हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती है कि हमारे देश में नया संसद की जरूरत है, कि इस काले कानून को खत्म करने की जरूरत है? ये प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी सरकार को। अगर इस बार प्राथमिकता तय नहीं हुआ तो यह आर पार की लड़ाई होगी और यहाँ से लोग निकलकर संसद तक जाएंगे। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि 700 से ज्यादा सभाएं लगाएंगे, वेबिनार के थ्रू किसानों से बातचीत किया जाएगा और लोगों से बातचीत किया जाएगा, इस बिल के बारे में समझाया जाएगा, तो शायद किसानों को समझ में आएगा, वो ऐसा कह रहे हैं। तो क्या मैम लगता है कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि बिल को वापस कर लिया जाएगा, क्योंकि वो तो समझाने के मूड में, बिल वापस लेने के मूड में नहीं है? कौन समझाने के मूड में? सरकार समझाने के मूड में वो होता है जो सरकार चौपाल लगाएंगे, वेबिनार करेंगे, उनको कोरोना हो रहा है। हम लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना आज के डेट में कि कोरोना हो रहा है। कोरोना से डरा डरा के ये जो गुपचुप तरीके से बिल लाया गया, कोरोना ही था। हमारे देश में तो कोरोना का इलाज करते ना, ये कौन सा इलाज चल रहा है कि अध्यादेश ला रहे हैं, नया बिल पारित कर रहे हैं? कोरोना काल में नहीं भी तो 5 बिल पारित किया है जो जन विरोधी है, देश विरोधी है। तो उनको देशद्रोही ना कह दें हम लोग। सवाल है कि जनता से सरकार बनती है और सरकार आज जनता के सर पे चढ़ के नाच रही है। ये जो तरीका है ना, इसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। और ये बात उनको जानकारी होनी चाहिए, ये बात उनको समझनी चाहिए। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ये लोग मुसोलिनी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ये लोग हिटलर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हिटलर क्या करता था? पहले किसी भी आंदोलन को बदनाम करता था, और वही वो कर रहे हैं। पहले उनका जो फंडा था वो ये था कि पहले आंदोलन को बदनाम करो, लोगों को बदनाम करो, तो आंदोलन को तोड़ना आसान हो जाएगा। वही काम उसी हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पर चलकर मोदी सरकार कर रही है, और इसी से हमें बचने की जरूरत है। और ये आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा, उनका जो कोई चाल है वो चलेगा नहीं यहाँ पे। कब तक संघर्ष आप लोगों का चलेगा? देखिए, ये लड़ाई तो बिल्कुल, मतलब मैं ये कहूँ कि आर पार भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। यहाँ हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, इस जगह पर उनकी जान गई है, तो ये आर पार की लड़ाई है और निश्चित रूप से सफलता तक जाकर ही लोग मानेंगे।